ये शेर नहीं बनी हुई और इतनी सी बंदरिया आई थप्पड़ मार के चली गई। कैसे करती हो ये सब? सुबह सुबह उठ के आधा किलो पाउडर थप लेती हूँ मुंह पे। दोस्तों, टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। द कपिल शर्मा शो से इन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है। इस शो के माध्यम से इन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया है और यह शो लोगों का सबसे पसंदीदा भी है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुमोना की लाइफ और करियर से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि सुमोना ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत कब और कैसे की थी। साथ ही बताऊंगा क्यों इनके पिता को मुंबई के बीच सड़क पर पीटा गया और कैसे अपना मजाक उड़वा उड़वा के बन गई सुमोना चक्रवर्ती एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस। तो कमर की पेटी मान लीजिए, आइए जानते हैं सुमोना चक्रवर्ती की अब तक की कहानी। दोस्तों, सुमोना का जन्म 24 जून 1988 को लखनऊ में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी लखनऊ में ही हुई। फिर कुछ समय के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। तब इन्होंने बाकी की पढ़ाई हीरा नंदानी स्कूल से की। अंधेरे ईस्ट में वो रहा करती थी और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी वहां पर उनके एक पड़ोसी थे जो कि एड्स फिल्म्स बनाने का काम किया करते थे। और तब सुमोना बचपन में इतनी ज्यादा क्यूट लगती थी कि उस पड़ोसी ने सुमोना की माँ को एक सजेशन दिया कि आप इन्हें एड्स में क्यों नहीं भेजती हैं। तब उनकी माँ ने वो सजेशन लिया और सुमोना ने उसी दौरान एक दो एड्स में काम किया था। साल 1999 में एक फिल्म आई थी, ये फिल्म थी मन। और इस फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट सुमोना हमें दिखाई दी थी। तब सुमोना सिर्फ 12 साल की थी और इस बात का खुलासा इन्होंने कपिल शर्मा शो में तब किया था जब इस शो में मनीषा कोइराला आई थी। कुछ एड्स और एक फिल्म में छोटा सा किरदार, इन सभी चीजों से सुमोना इतनी ज्यादा इंस्पायर हो गई थी कि इन्होंने तभी सोच लिया था कि आगे जाकर इन्हें एक्टिंग के फील्ड में ही जाना है। लेकिन इनकी फैमिली चाहती थी कि अपनी पढ़ाई भी पूरी करे। इसके लिए सुमोना ने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद इनका पूरा फोकस हो गया एक्टिंग पे। शुरुआती दिनों में इन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, तब वो थिएटर के लिए ही प्ले किया करती थी। 2006 से 2010 तक सुमोना ने कई सीरियल्स में काम किया। इनमें से कुछ सीरियल्स थे डिटेक्टिव डॉल, कसम से और कस्तूरी। लेकिन इन सभी सीरियल्स से सुमोना को अभी तक वो पहचान नहीं मिली थी जिसके लिए वो एक्टिंग में आई थी। वहीं अगर हम बात करें थिएटर की, तो थिएटर में भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ टीवी का सहारा लेना था। और इस दौरान इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपना पूरा फोकस एक्टिंग में ही करेगी। और साल 2011 में उनकी यह डेडिकेशन काम भी आई जब उन्हें काम मिला एकता कपूर के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं मैं। इस सीरियल में इन्होंने नताशा कपूर का किरदार निभाया था। ये किरदार थोड़ा सा नेगेटिव था लेकिन नताशा कपूर बहुत ही फेमस कैरेक्टर हो गया था। इस सीरियल से यही वो पहली पहचान थी जो सुमोना को मिली। इसी दौरान जब सुमोना एक नेगेटिव कैरेक्टर निभा रही थी, उन्होंने अपनी इमेज को तोड़ने के लिए कॉमेडी में ट्राई किया। ये शो था कॉमेडी सर्कस और इस शो से भी सुमोना काफी पॉपुलर हो गई। यानी जो सुमोना इतने सालों से इंडस्ट्री में थी, उन्हें अब पहचान मिलने लगी। सुमोना नताशा वाला किरदार भी निभा रही थी और इधर कॉमेडी वाला किरदार भी निभा रही थी। लेकिन इसी दौरान इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें आगे कॉमेडी में ही जाना है और कॉमेडी शो में हर बार उनके लिए जगह भी हुआ करती थी। इसी दौरान कपिल शर्मा अपने नए शो की शुरुआत की और इस शो में उन्हें मिला कपिल शर्मा की वाइफ का कैरेक्टर मंजू शर्मा का। इस शो में कपिल शर्मा मंजू पर बहुत सारे जोक्स करते हुए नजर आते हैं जिनमें से हमेशा एक जोक था उनके होंठों की तरफ। कई बार इंटरव्यूज में सुमोना से पूछा गया कि जब शो पर आपका मजाक बनता है तो क्या कभी आपको बुरा नहीं लगता? तो सुमोना कहती है कि मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि उस वक्त मैं अपना काम कर रही होती हूँ और अगर मैं अपनी एक्टिंग के ही नुक्स निकालने लग जाऊं या मेरे काम से ही मुझे प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। इसी दौरान 2014 में वो हमें नजर आई सलमान खान की फिल्म किक में। ये रोल तो छोटा था लेकिन हाँ, रोल अच्छा था और सुमोना को तब तक लोग पहचानने लगे थे और अब वो रेगुलर टीवी शो का हिस्सा बन गई थी। जी हाँ, कपिल शर्मा शो की टीम का वो हिस्सा थी और अब उन्हें घर घर में लोग जानने लगे थे। इसी दौरान साल 2016 में सुमोना की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिससे उनके फैंस काफी शॉक्ड हो गए थे। वैसे तो सुमोना अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा पर्सनल रखती हैं और वो अपने पर्सनल लाइफ को कभी भी बाहर नहीं आने देती हैं। लेकिन किसी ने स्मार्टली तरीके से उनकी एक वीडियो बना ली
जिस वक्त वो कपिल शर्मा शो के सेट पर थी और उनके शो के बीच में ब्रेक टाइम था और उस वक्त सुमोना अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मराठी कॉस्ट्यूम में खड़ी थी और उस वक्त वो स्मोक करती हुई नजर आई थी। उसी टाइम उनकी किसी ने वीडियो बना ली और उस वीडियो को पब्लिक कर दिया। इसके बाद सुमोना को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया गया। फिर इसके बाद 2017 में सुमोना के लाइफ में ऐसी घटना घटी जिस घटना को आज तक नहीं भुला पाती हैं। एक्चुअली उस दौरान उनके पिता मरते मरते बचे थे। जी हाँ, सुमोना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मरोल अंधेरी ईस्ट में जहाँ वो रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ, एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि सुमोना की माँ की तबीयत खराब हो गई और उनके पिता उनकी माँ को अस्पताल लेकर जा रहे थे। क्योंकि अस्पताल पास था इसलिए उनके पिता कार नहीं लेकर जा रहे थे और तब इन्होंने सोचा कि रिक्शा से चले जाएंगे। मुंबई में अक्सर ऐसा होता है कि छोटे डिस्टेंस के लिए कोई भी रिक्शा वाला रुकता नहीं है और ऐसा ही कुछ हुआ सुमोना के पिता के साथ। बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी रिक्शा रुका नहीं। इसके बाद एक रिक्शा वाला रुका तो उनके पिता ने उन्हें कन्विंस भी किया कि तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल जाना बहुत ही जरूरी है। तभी वो रिक्शा वाला माना नहीं। इस पर सुमोना के पिता ने कह दिया कि इतना सा डिस्टेंस है, इंसान बीमार है फिर भी तैयार नहीं हो रहे हो। तो इस पर रिक्शा वाले ने भी सुमोना के पिता से कुछ बहस कर ली। दोनों के बीच काफी बहस हुई, उसके बाद रिक्शा वाला आगे चला गया। लेकिन कुछ ही देर में ऐसा हुआ कि कहीं से पीछे से वो रिक्शा वाला फिर से आया और उसने पीछे से आकर सुमोना के पिता के सर में पत्थर से मार दिया। उनके पिता वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। उनके सिर से बहुत सारा खून बह गया। और सोचने वाली बात यह है कि सुबह के 10 बजे मुंबई की इतनी बिजी स्ट्रीट में कोई भी मदद के लिए नहीं आया। फाइनली सुमोना की माँ जो खुद बीमार थी वो उनके पिता को लेकर हॉस्पिटल गई। हालांकि सुमोना ने उस रिक्शे वाले के खिलाफ कंप्लेन तो लिखवा दी, लेकिन सुमोना कहती है कि उनकी लाइफ का यह सबसे खराब दिन था। सुमोना अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अलग अलग इशू पर अपना ओपिनियन देती रही हैं। साल 2019 में इन्होंने एक बात अनाउंस की। इन्होंने कहा कि स्मोक करना वो पूरी तरह से छोड़ चुकी हैं। जी हाँ, जिस स्मोकिंग के कारण वो ट्रोल हो गई थी, उनकी वीडियो वायरल हो गई थी, तो फाइनली वो अपनी इस खराब आदत को छोड़ दिया। साल 2020 में सुमोना एक बार फिर से खबरों में आ गई थी। खबर ये थी कि इन्होंने इंटरव्यू में ऐसा कहा है कि इनके पास काम नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया उन्हें भूल गई है, कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि शायद वो लोगों से इतनी सोशल नहीं हो पाती और अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो लोगों को अपना जरूरत नहीं बता पाती हैं और अभी उनके पास काम बिल्कुल भी नहीं है। एक के बाद एक ये न्यूज इतनी वायरल हो गई कि करीब करीब बड़े से लेकर छोटे सभी मीडिया वालों ने इस न्यूज को कवर किया। लेकिन इन सभी मीडिया हाउसेस को सुमोना ने अपने एक ही ट्वीट से झाड़ लगा दी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ऐसी खबर आ कैसे सकती है जब दुनिया देख रही है कि मैं एक रेगुलर शो का हिस्सा हूँ। उस शो में मेरा रेगुलर कैरेक्टर है और मैं हर वीकेंड पे कपिल शर्मा टीम के साथ नजर आती हूँ, तो कैसे मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे पास काम नहीं है। साथ ही सुमोना ने इन सभी खबरों को बिल्कुल झूठा बताते हुए कहा कि हो सकता है कि ये इंटरव्यू मैंने बहुत पहले दिया हो जब वाकई में मेरे पास काम नहीं हो। किसी ने ये पुराना इंटरव्यू निकाल कर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। सुमोना के लाइफ को देखकर और करियर को देखकर यही कहा जा सकता है कि वो इंडस्ट्री में तो बहुत ही पहले से आ गई थी, यहाँ तक कि कपिल शर्मा शो से भी पहले आ गई थी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे ग्रो किया है और इन्होंने लाइफ में गिव अप नहीं किया। रोल भले ही छोटा हो या फिर बड़ा हो, इन्होंने हमेशा अपनी कोशिश की है कि वो जो भी काम है अच्छे से करे। और कपिल शर्मा शो में भले ही उनकी एक्टिंग का, भले ही उनकी शक्ल का मजाक ही क्यों ना उड़ता हो, लेकिन लोगों को उस पर हंसी तो आती ही है। और अगर सुमोना नहीं होती तो कपिल शर्मा जोक्स किस पर बनाते, है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कपिल शर्मा शो में सुमोना की कॉमेडी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। और अब तक आपने इमोशन बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।